डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने 720 सब्सक्राइबर को बार बार थैंक्स कहती हूँ और अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं लगेगा, बल्कि मेरा कुछ बेनिफिट ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स जो मैं कहना चाहती हूँ जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, और वीडियो के एंड में मैं वो बात ज़रूर रखूँगी क्योंकि मुझे वो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। तो सबसे पहले हम एक महान व्यक्ति भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं, जिनकी कही हुई कुछ बातें आज भी हमें उतनी ही खरी लगती हैं जितनी की वो तब थी। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि पानी से नहाते हैं वो जो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। जिस तरह पौधे को पानी और खाद की ज़रूरत होती है, उसी तरह विचारों को प्रचार और प्रसार की ज़रूरत होती है, नहीं तो विचार भी मर जाएंगे और पौधा भी जीवित नहीं रहेगा। मनुष्य हर दृष्टि से खुद को विकसित करने की कोशिश करता है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि हो या फिर आर्थिक दृष्टि हो, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि पहला विकास दिमाग का होना चाहिए, उसके बाद बाकी विकास तो अपने आप ही हो जाएंगे। एक महान व्यक्ति में और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में बहुत अंतर है। प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा समाज को सेवक बनाना चाहता है, और महान व्यक्ति जो होता है वो कुछ नया करने के लिए समाज को बार बार प्रेरित करता रहता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मनुष्य शिक्षित होकर ये सीखता है कि उसे संगठन में कैसे रहना है, कैसे संगठित रह के उसे संघर्ष करके आगे बढ़ना है, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। ये भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कही गई कुछ बातें थी। नो डाउट उन्होंने बचपन में बहुत कुछ सहा, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें सबको बराबरी का हक दिया जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ आरक्षण की। आरक्षण जाति के नाम पर ना होकर उन लोगों के लिए होना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे रह गए हैं, जिन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आरक्षण उनके लिए तो सही, लेकिन जिनके पास सब सुख सुविधा है उनको सिर्फ इसलिए आरक्षण दिया जाना कि वो छोटी जाति के हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। सबके लिए बराबरी का नियम हो, लेकिन जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण।